वेलकम टू फ्लाई फाई। इसलिए दोस्तों आपका स्वागत है। तो साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, लूसेंट लूसेंट के 1000 क्वेश्चन, वो भी वन लाइनर हैं, जो आपके जो दोस्तों आपके एग्जाम में 15 वर्ष अर्थात पिछले 15 वर्ष से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, वो क्वेश्चन दोस्तों उसका पूरा इसमें दोस्तों 1000 क्वेश्चन में से पूरा यहाँ से आपको लाया गया है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िए और रटिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों PDF लेने के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों, वहाँ जाइए, वहाँ सर्च कीजिए फ्लाई फाई HD को, तो वहाँ से इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड है, फिर उसके बाद चलेंगे सेशन पे। दोस्तों कोड यह है, जो पानी से नहाएगा, क्या जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, क्या इतिहास बदल सकता है। तो साथियों इसलिए आप अपने मेहनत पर विश्वास रखो, ना कि इसलिए आप मतलब पानी से नहा रहे हो तो लिबास बदल जाएगा, बट क्या अपने मेहनत पर विश्वास रखो बस। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो साथियों आपकी जो सफलता है, सफलता निश्चित ही मिलेगी, ठीक। इसलिए अपने मेहनत पर विश्वास रखो बस। तो साथियों टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, चल रहे हैं आज के सेशन पे। जो आज का सेशन है, जो भी आज का क्वेश्चन है, आज दोस्तों 800वां क्वेश्चन करेंगे। कहाँ से? 801 से करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग ने 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलेगा हमारा कितना, 800वां क्वेश्चन दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया 800 का, बोला है क्रिकेट, क्या क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों बहुत वेरी दोस्तों जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। बोला है क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज या 66 फुट होती है। फिर बोलता है बोले हैं मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में स्थित है। फिर बोला है राई सोनीपत में, कहाँ, राई सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ हुई थी, कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी, संस्कृत भाषा में वो रचनाएं लिखी थी। 12 मार्च 1940 का जलियांवाला बाग का हत्याकांड कराने वाले, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 1919 होगा, ठीक, ये 1919 है, 12 मार्च जो है ये 1919, मतलब गलत कर दिया है क्वेश्चन वाला, ठीक। ये क्या होगा, यहाँ 1919 होगा, ठीक साथियों। तो बोला है हत्याकांड कराने वाले माइकल कौन थे, डायर था, कौन था जो जो ऑर्डर दिया था गोली मारने का, वो कौन था, डायर ने दोस्तों गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। इसलिए जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड में कम से कम हजारों संख्या में लोगों को मृत्यु हुई थी वहाँ पर। फिर दोस्तों बोला है, अच्छा इसमें बोला है जो दोस्तों जो गोली चलाया था, डायर चलवाया था, बट इसको मारा कौन था, इसको मारा कौन था, इसने मारा था ऊधम सिंह ने, कौन, ऊधम सिंह ने मारा था, वो भी कहाँ, लंदन में जाके। जो ये था जनरल डायर था, ये अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, ठीक। दोस्तों जो ऊधम सिंह थे ना दोस्तों, ऊधम सिंह छोटे से ही, वो क्या बोलते हैं, डायर सिंह जब कहानी सुने थे कि डायर ने क्या बोलते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसने इन्हें गोली चलवाई थी, तो ऊधम सिंह ने उसी समय से प्रण लिया था कि हम जो है जनरल डायर को मारेंगे। तो ऊधम सिंह ने क्या किया, ऊधम सिंह ने जाके अपना पैसा, कहाँ पैसा मतलब कमाया, खुद पैसा कमा के खुद पिस्तौल लिए और लंदन के लिए वीजा बनवाए, ठीक। वहाँ से बनवाने के बाद और वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उसे ढूंढ करके उसके ऑफिस में चाहे जहाँ था वहाँ से उसे गोली से उड़ा दिए थे। तो साथियों देख रहे हो ऊधम सिंह कितने भी अच्छे थे, मतलब वहाँ पहले देखो पैसा कमाए, पैसा कमा के बंदूक लिए, फिर पासपोर्ट बनवाए, फिर लंदन गए, मतलब बहुत बड़े यार भक्त थे ये सब, ठीक। तो साथियों यही जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए, जितने भी युवा हैं सबके अंदर ये जुनून होना चाहिए सभी में। तो ठीक दोस्तों फिर चलते हैं 805वें क्वेश्चन पे, जो बोला है साथियों सत्यशोध है, क्या सत्यशोध समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले, कौन की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। फिर चलते हैं 806वां क्वेश्चन पे, बोला है दोस्तों एक मिनट डिलीट कर दें, हाँ टोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, कहाँ करती है, ये तमिलनाडु में करती है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये आ गया देखो, बोला है साथियों हरियाणा, क्या हरियाणा भाषा किस पहली फिल्म कौन सी थी, चंद्रावाल थी, कौन थी, चंद्रावाल थी। असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में शुरू हुआ। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था, सरकारी आयोग को गठित किया गया था।
नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन न्यूटन इंग्लैंड का था। कहाँ था? इंग्लैंड। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ये शुद्र ग्रह बोले थे। क्या बोले जाते हैं? इसे शुद्र ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होती है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मदुरई में स्थित है। कहाँ है? मदुरई अर्थात तमिलनाडु में है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? कहाँ होता है भैया? इंडिया में होता है, इंडिया में। फिर चलते हैं अगले सेशन पे, मतलब नेक्स्ट पीपीपीटी पे दोस्तों। बोला है पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफीबिया होता है। ठीक, अब आपके सामने 1818 क्वेश्चन आ रहा है, साथियों ही आ गया। बोला है दक्षिण भारत, क्या दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी है। कौन? अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों, आपके सामने नेक्स्ट आ गया। अब देखो यहाँ से बोला है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? क्या नाम है? कोरोमंडल है। क्या है? कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र है? मत्स्य पालन से है। भारत का में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह अर्थात जम्मू कश्मीर है। कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहलाता है? शुक्र है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने किया था। बिलय की क्रांति नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे दोस्तों, ये आ गई आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ से बोला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। कब? 1906 में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। टुंडरमल का संबंध किस क्षेत्र में है? भू राजस्व व्यवस्था में है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी है? लाहौर है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोन्स सॉल्क ने खोजा। कौन खोजा था? जोन्स सॉल्क ने। कर्नाटक के स्वर्णवेला गोल में किस जैन संत के विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। किसकी है? गोमतेश्वर की है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? अमेजन जो है संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा पाई जाती है। जून सितंबर के दौरान होने वाली फसलों क्या कहलाती है? ये खरीफ फसलें कहलाती हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? ये बनाया था नेक चंद्र ने। कौन बनाया था? नेक चंद्र बनवाया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों, आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है। बोला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? ये वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पेपर में बार बार आया हुआ है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? अमेरिका अर्थात वाशिंगटन डीसी में है। फिर बोला है आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से? कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासती एकीकरण के लिए कौन से उत्तरदायी थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर बोला है दोस्तों फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। फिर बोला है कूका आंदोलन किसने चलवाया था? गुरु राम सिंह ने। फिर 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मी सभा का स्थापना किया था? कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? क्या नाम था? अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। कौन सा? ताजमहल साथियों। ठीक, तो साथियों जो थे शाहजहां थे, जो उनकी बीवी थी, वो किसी मतलब बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इनको बहुत शॉर्ट लगा, उनके याद में जो है ये ताजमहल बनवा गए थे। ठीक, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला है किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला और अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी? कौन सी? जहांगीर शासनकाल में। फिर चलते हैं 854 पे। बोला है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? कौन करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। कौन करवाया था?
गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक दोस्तों, सिख धर्म के किस गुरु के जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? कौन? अर्जुन देव के। किसके हुआ था? अर्जुन देव हुआ था। फिर चलते हैं 855 क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, आप हो जाओ तैयार। आपके सामने 855 क्वेश्चन आ चुका है साथियों, ये देखो। बोला है हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कौन किया था? गुलबदन बेगम ने। कौन किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों, ये आपके सामने आ गई। चलिए तो साथियों, बोला है किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ से विजय स्तंभ निर्माण कराया था? कौन? राणा कुंभा ने। कौन? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पूरी उड़ीसा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस और किस के बीच और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने किया था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है दोस्तों, 12 वर्ष। भारत में कितने स्थान पर कुंभ मेला का होता है? 4। कहाँ? एक हरिद्वार हुआ, गंगा हुआ, इलाहाबाद में गंगा यमुना संगम, यहाँ तीनों अर्थात गंगा भी हैं, यमुना भी हैं और सरस्वती भी हैं। ठीक, और आपका जो उज्जैन है यहाँ छिपरा अर्थात नासिक गोदावरी में। ठीक तो साथियों, अब बोला अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। फिर बोला है तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, ये देखिए आ गई है। अब बोला है साथियों, कौन सा नगर जो अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। कौन रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9 जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस है, जो कि इसमें बंद चल रही है। समझौता और थार एक्सप्रेस जो है इसमें बंद चल रही दोस्तों। फिर बोला है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में चली थी, डेक्कन क्वीन में। भारत में कुल रेलमार्ग लंबाई कितनी है? ये 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी जो है रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल अर्थात कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर लोकेटेड है। फिर बोला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख है। ठीक, फिर बोला है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाचलित बर्फ से ढका है? कौन सा है? अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका है दोस्तों। फिर बोला है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग जो है महाद्वीप का विस्तार भूभाग पाया जाता है? 29%। फिर बोला है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर दोस्तों? बोला है कहाँ है ये कच्चा द्वीप और न्यूम द्वीप पर। कहाँ है ये कच्चा द्वीप और न्यूमर द्वीप पे है। ठीक, फिर चलते हैं 881 क्वेश्चन पे साथियों, आपके सामने 881 क्वेश्चन आ गया है। अब देखो, बोला है भारत और उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है? कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय कितना अंतर है? 5.5 घंटे। कितना है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 152,000 इतना किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? टिथिस नामक सागर था। क्या पहले वहाँ सागर आता था? भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल। ठीक दोस्तों, कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है ये? उत्तराखंड में है। कौन सा अभयारण्य जो है जंगली हाथी के प्रसिद्ध है? कौन सा है? पेरियार केरल। अर्थात कौन सा है? पेरियार केरल है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रोसाइट। कौन सी होती है? एंथ्रोसाइट होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला था? ये तो मिला था मोहनजोदाड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में मिला था। फिर चलते हैं 891 क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने आगे 891 क्वेश्चन, बोला है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम से सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन ये थे? रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर के दिसंबर के महीने में।
भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पेले को। फिर बोला है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस में? बास्केटबॉल में। फिर बोला है किस भारतीय राज्य के पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर में। कहाँ? ये मणिपुर से ही शुरुआत इसकी हुई थी। कौन से खेल की? पोलो की। फिर बोला है गोमिट क्या? बोला है गैमिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये कहाँ? शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग जो है क्रीज और स्टम्प के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट होती है। 899 जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्लिप पॉइंट खेल किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? कौन सा? ब्राज़ील ने। कौन जीता है? 5 बार जीता है कौन? ब्राज़ील जीता है। तो साथियों आपके सामने 900 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे शेयर दोस्तों शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक। और दोस्तों इसे जो वीडियो है इसे शेयर अवश्य करें आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, जौन जौन से आपका दोस्तों चैनल और दोस्तों जो आपका मान लो है वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, ठीक, इस वीडियो को। तो साथियों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका 1000 क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक। तो आप इसे जो है रिवाइज करते रहिए, और जो दोस्त आज चैनल पर नए आए हुए हैं वो पिछला वीडियो जाके अवश्य देख लें, ताकि उनको अभी जो 800 क्वेश्चन कराए गए हैं वो आप उसे रिपीट कर लें, ठीक। तो साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।